पीएम मोदी के बस्तर दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे भविष्यवाणी करार दिया है। दरअसल बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रत्याशियों का पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर डालती आ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अब पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि आज बस्तर पधार रहे हैं साहब, स्क्रिप्ट उन्हें मिल चुकी है, लिखकर रख लीजिए, यही होने वाला है, एक भी आपके सवालों का जवाब कल नहीं दिया जाएगा। तो बीजेपी को वोट रूपी लाठी अब जनता मारेगी। आपको बता दें कि कार्टून में पत्रकार बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, रोजगार को लेकर सवाल कर रहे हैं। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, अब जो है पीएम के दौरे को लेकर भी कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया, पोस्टर वार किया गया है, क्या सियासत में जो है उठापटक देखी जा रही है? आपको बता दें कि निश्चित रूप से बीजेपी की ये जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों के पोस्टर वार करती आ रही थी, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की जो बस्तर दौरा है उसको लेकर पोस्ट एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया है, कार्टून वार जिसको बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर कार्टून वार किया जा रहा है, उसी के तहत कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी का पोस्टर बनाकर उसमें पत्रकारों द्वारा जो है बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, रोजगार को लेकर सवाल कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी केवल एक ही जवाब दे रहे हैं, मित्रों मुझे लाठी से बचा लो। आपको बता दें ये लाठी वाली बात, ये चरण दास महंत कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन के दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए लठ मारने की बात नरेंद्र मोदी के लिए संबोधित किया था, जिसे लेकर बीजेपी ने इस पे जो है अभी तक इस पे रार चली आ रही है कांग्रेस और बीजेपी। उसी बात का पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पोस्ट नरेंद्र मोदी को लेकर किया है और इसकी भविष्यवाणी किया है कि नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करने के दौरान यह बातें उठाएंगे कि हमको लठ मारने की बात की गई थी। जी जी मनोज, अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि एक भी आपके सवालों का जवाब जो है नहीं दिया जाएगा। किस सवाल के जवाब की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो जनता को जवाब नहीं दिया जाएगा? जी जी बिल्कुल जूही, आपको बता दें कि कार्टून में पत्रकार द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, रोजगार की बात, जो कांग्रेस बराबर ये मुद्दे उठाती आ रही, उसी बात को लेकर कांग्रेस ने ये विपक्ष बीजेपी पर करारा जवाब दिया है पोस्टर वार को लेकर। जी, और अभी जो है कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट रूपी लाठी अब जनता मारेगी, क्या लगता है, क्या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके एकजुटता जो है कहीं ना कहीं दूर हो रही है और वो उल्टा बीजेपी पर इस वक्त हमला हुआ है, जबकि बीजेपी की बात कर ले तो लगातार पूरी तैयारी के साथ जो है चुनावी रण में बीजेपी डटी हुई है? जी जी बिल्कुल जूही, बीजेपी चुनाव की घोषणा से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट चुकी थी। यह बातें यहाँ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी ये कहा था कि हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जी जी मनोज, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।